नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सभी लोगों, भारत के नागरिक, बिहार के नागरिक, नेपाल सीमावर्ती सभी लोगों का ध्यान खींचता हूँ। आज बिहार के 12 जिले में भयंकर बाढ़। हम सीतामढ़ी से बोल रहे हैं। सीतामढ़ी समेत 12 जिला भयंकर बाढ़ से पीड़ित है। इतना ही नहीं, हर वर्ष एकाध वर्ष बीच में छोड़कर 24 जिला तक उत्तर बिहार का और उत्तर प्रदेश का करीब 15 जिला बाढ़ प्रभावित होता है और अरबों की क्षति होती है, जान माल की क्षति होती है। आप सब जानते हैं कि हम जो उत्तर भारत के लोग हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के आम नागरिक हैं, वो नेपाल से जुड़े हुए हिमालय के पर्वत के शिखाओं से प्रभावित होते हैं। नागरिकों को पता होगा या मैं बताना चाहता हूँ कि 7 स्थान पर हिमालय से 7 स्थान पर नदियों का उद्गम है और 7 स्थान से उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है। खास करके बिहार में बूढ़ी गंडक, गंडक, लालबकिया, बागमती, अधवारा समूह की 13 नदियाँ, अधवारा, झीम, बुढ़नद, खिरोई, लखनदेई, बरबे, बाकी, हरदी, संघी, सिंघियाही, रातो, मरहा, धौस, सिकाऊ इत्यादि 13 नदियां हैं जो अधवारा समूह की नदियां हैं, जहां हम बैठे हैं। इन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल का पहाड़ी इलाका है और जल ग्रहण स्थल नेपाल का मैदानी इलाका है। फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो कमला बलान, कोसी, इस प्रकार से नदियों के जाल में हम सभी उत्तर बिहार के लोग फंसे हैं। और ये जो नदियां हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, लालबकिया, बागमती, अधवारा समूह की 13 नदियां, कमला बलान, कोसी, ये सभी आगे चल कर के दरभंगा से आगे एक साथ मिलती है और फिर ये गंगा में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से नदियों का गुच्छ है जो प्रवेश गंगा में करती है। तो जो पहाड़ से निकलती है और हिमालय के 7 बिंदुओं से नदियां निकलती है, तो 7 बिंदु से निकलने वाली नदियां नेपाल के मैदानी इलाके में जो जलग्रहण क्षेत्र है उसका पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। उसका पॉइंट है बागमती का नुंथर। अधवारा समूह की 13 नदियों का नेपाल में पॉइंट है रामनगर रमैया। कमला बलान का पॉइंट है नेपाल में सीसा पानी और कोसी का पॉइंट है कोसी बराज, जहां बना हुआ भी है। तो इस प्रकार से जो हमारे उत्तर बिहार की ये नदियां हैं, इन सभी नदियों में नुंथर में नेपाल में, सीसा पानी में नेपाल में, रामनगर रवैया में, अधवारा समूह की नदियों में नेपाल में, और कोसी जो बराज है बीरपुर से उत्तर नेपाल में, इन जगहों पर बड़ा जलाशय बनाने की सपना आज़ाद भारत से पहले से देखा जा रहा है कि वहाँ बिजली का पनबिजली पैदा लेगा और जल को स्टॉक किया जाएगा और आवश्यकता से अधिक होने पर ही छोड़ा जाएगा और समय समय पर उससे जगह जगह पर सिंचाई की व्यवस्था करके सिंचाई भी कराई जाएगी। ये सपना रही। मैं जब संसद में था तो दर्जनों बार संसदीय डिबेट में हमने उठाया, तारांकित अतारांकित प्रश्न में शून्यकाल में इस पर ध्यान खींचने का काम किया। उसमें मेरा विचार था बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए, ये जो जगह नेपाल का है नुंथर में बागमती पर, अधवारा समूह में, रामनगर रमैया में, कमला बलान में, सीसा पानी में और कोसी में, कोसी
बराज के स्थान पर बड़ा जलाशय बनाकर पनबिजली पैदा किया जाए नेपाल के सहयोग से, इंटरनेशनल समझौता करके, और उसे नेपाल को भी लाभ होगा, इंडिया को भी लाभ होगा, सिंचाई की व्यवस्था होगी और बाढ़ का नियंत्रण होगा, जिस पर कमेटियां भी बनी, नेपाल में ऑफिस भी खुले, कुछ बात भी हुआ, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी, वहीं के वहीं धरी के धरी रह गई, जिससे हम डूबते रहे, अरबों हर साल बर्बादी हमारी होती रही है, आप सब जानते हैं। इस पर सोचने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। मैंने अपना व्यू संसद में रखा था, आज भी आप लोगों के माध्यम से रखना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से रखना चाहता हूं, समाज के माध्यम से लिखना चाहता हूं। जब मैं संसद में था 3 टर्म, तो संसद में दर्जनों बार हमने उठाया, क्वेश्चन भी किया, और अभी पत्र भी प्रधानमंत्री जी को लिखा हूं, और मैं अपना व्यू बताना चाहता हूँ। ये जो नेपाल से निकलने वाली नदियाँ हैं, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, लाल बकिया है, बागमती है, अधवारा सरी समूह की 13 नदियाँ हैं, करे है, कमला बलान है, कोसी है, इन नदियों से जो क्षेत्र गुजरता है उसमें सड़कें बनी हैं, विकास हुआ है, सड़कें ऊंची हो गई है, पुल घनेरों सैकड़ों के सैकड़ों पुल एक एक नदी पर बनी है। और आपको मालूम होगा कि ये हमारी नेपाल से आने वाली हमारी नदियां हैं, ये गाद लेके आती है, सिल्टेशन लेके आती है, नदियां भी भर जाती है, और ये जो पुल है, पानी बहने वाला सड़क है जो ऊंची हो गई है, पानी को रोकता है, उसको सिल्टेशन हो जाता है, हर वर्ष गाद आता है, वो भर जाता है, जिस कारण से जब अत्यधिक बारिश होती है नेपाल के मैदानी इलाके में, पहाड़ पर हिमालय में स्खलन होता है, वहाँ से जल पलायन होता है, और फिर नेपाल से पानी छोड़ी जाती है, और हमारे उत्तर बिहार में भी घनघोर बारिश होती है, तो जो खेतों में मैदानी इलाके में पानी छितराता है नदियों से, उसको बहने का रास्ता चाहिए, हवा और पानी प्रकृति है, उसको रोका नहीं जा सकता है, बहने के लिए उसको जगह चाहिए, यदि हम तटबंध बनाते हैं तो वो टूट जाती है और पानी उपट जाता है, खेत बर्बाद हो जाते हैं, बागवानी बर्बाद हो जाता है। यदि हम हर 3rd साल सभी सड़क में जो हमारी होम पाइप है, पुलिया है, पुल है, बड़े बड़े पुल है, उसमें से गाद निकाल करके पुरानी गहराई करेंगे हर 3rd साल पर, और पानी को बहने का जगह देंगे, तब जाकर के बाढ़ नियंत्रण हो सकता है। जो हमारी नदियां हैं, कमला, गंडक, कोसी, अधवारा समूह की 13 नदियां, बागमती, लाल बकिया, गंडक, बूढ़ी गंडक, करे, उन सभी नदियों में जो नेपाल से गाद आती है, जिससे धाराएं परिवर्तित होती रहती है और गाद से नदियां भर जाती है हर 3rd वर्ष, उसको भी मिट्टी निकाल करके सरकार को योजना बनाना चाहिए कि हर 3rd वर्ष उसकी उड़ाही हो और उसको पुराना गहराई हर 3rd वर्ष दे दिया जाए, ताकि पानी जो नेपाल से चले, हिमालय से चले, नेपाल के मैदानी इलाके से चले, वो निर्वाध गति से बहता जाए, थोड़ा बहुत खेतों में जाए तो जल्दी से जल्दी वो फिर नीचे भी चला आए। आप सब लोगों को स्मरण होगा, हमारे पुरखे के समय में जब हम बच्चा थे तो बाढ़ आती थी, बाढ़ से खेसारी की खेती, गेहूं की खेती अच्छी होती थी पाक आने के कारण, और पानी आती भी थी और जल्दी जाती भी थी, हमने ऊंचे तटबंध बना दिया, हमने ऊंची सड़कें बना दी, हमने पुल बनाया, उसमें गाद नहीं निकालते हैं, उसमें पानी बहने का जो जगह है वो भर गया है, इसलिए बाढ़ से मार अधिक पड़ती है और हमारी क्षति, जान माल की क्षति, रबी और धान की क्षति, किसान की क्षति, बागवानी की क्षति अधिक होती है। तो इसलिए हमने पत्र लिखा था, संसद में उठाया था, और आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इस यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार से कहना चाहते हैं कि आप नीति बनाइए, जल नीति, और उस नीति में व्यवस्था करिए कि हर नदी को 3 साल पर उड़ाही की जाए, पुरानी गहराई दी जाए, गाद को निकाल दी जाए जो नेपाल से नदियां आती है। जितनी नेपाल से सटे हुए इलाके में उत्तर प्रदेश में और बिहार में सड़कें बनी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, पथ निर्माण विभाग योजना से,
राष्ट्रीय उच्च पथ योजना से, राज्य उच्च पथ योजना से या विभिन्न योजना से, उसमें जो पुल पुलिया बना है उसकी भी उड़ाही हर तीसरे साल पर कराने की नीति बनाई जाए तो बाढ़ का प्रभाव कम जाएगा, क्षति कम होगी, ये मेरा दावा है। मैं उदाहरण भी देना चाहता हूं कि आप चले जाइए समुद्र में, अथाह पानी चारों तरफ तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। हम वहां व्यापार करते हैं पनिया जहाज से, और पनिया जहाज से जल मार्ग से व्यापार करते हैं तो हर साल, चूंकि हम कमाते हैं तो हर साल बजटीय प्रावधान है, समुद्र में जहाज पर से नीचे गोता लगा करके बालू निकाला जाता है और लाद करके लाया जाता है, जो जल मार्ग है जिससे पनिया जहाज चलती है वहां के रास्ते को बालू निकाल करके हर तीसरे साल समुद्र विकास योजना के तहत गहराई दी जाती है, जिससे हमारा बंदरगाह फलता फूलता है, व्यापार फलता फूलता है और निर्बाध गति से हमारी पनिया जहाज जल मार्ग से चलती है। यह उदाहरण देते हुए मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि क्या जल नीति में ऐसी व्यवस्था आप नहीं करेंगे कि उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो नेपाल से आने वाली पहाड़ी नदियां हैं, जो मिट्टी लेके आती है, पांक लेके आती है, गाद लेके आती है, और उन गादों को हर तीसरे साल सफाई कराने की नीति बना के आप क्षति को रोक सकते हैं, बाढ़ के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस पर अब तक कोई नीतियां नहीं बनी है। मैं मांग करना चाहता हूं कि सरकार इस पर सोचे और नीति बनावे। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन बातों को सुना था, सोचा था, विचार किया था और नदी जोड़ योजना उन्होंने बनाई थी, उसको लेते हुए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दक्षिण बिहार में जहां पानी की कमी है, गया और मगध के इलाके में गंगा से नदी को चीर करके योजना बनाया है, पैसा दिया है जल जीवन हरियाली योजना में और पानी को उधर ले जाने की योजना बनाई है नदी जोड़ योजना की तरह। तो अटल जी को श्रद्धांजलि देते हैं, नीतीश जी के काम को याद करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि नदियों को जोड़ने की योजना पर पुनर्विचार करके उसको अमल में लाया जाए और नदियों का, जैसे समुद्र में गाद को निकाला जाता है, बालू को हर तीसरे साल निकाला जाता है, वैसे नीति बना करके नेपाल से आने वाली सभी पहाड़ी नदियां में गाद निकालने का काम, मिट्टी से जो भर जाता है उसको निकालने का काम हर तीसरे वर्ष हो, और जितनी सड़कें बनी हैं उस सड़कों में जो पुल पुलिया बना है उसकी, उसके भी अंदर की माटी को निकाल करके पुराना पानी बहने का जगह देने का काम की नीति सरकार बनाए तो बाढ़ का प्रभाव कम हो जाएगा। और नेपाल में नुंथर में, सीसा पानी में, रामनगर रमैया में, कोसी में बड़ा बराज बना के वन बिजली पैदा करने का जो सपना है, सिंचाई का जो सपना है, और बाढ़ के अधिक पानी को रोक करके वहां पर डैम में रोक करके और बाढ़ के प्रभाव के कम करने की योजना है, उसको भी अमल में लाया जाए, दो तरह से इसको कम किया जा सकता है। और अभी मैं कह सकता हूं कि चीन का प्रभाव उत्तर प्रदेश में होली पर बढ़ गया है और नेपाल को बरगलाने का काम किया है चीन, उससे हमारे इन कामों पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत सक्षम देश है, भारत में क्षमता है, ताकत है, तो भारत अपने कूटनीतिक व्यवस्था से नेपाल को रास्ते पर लाएगा और रास्ता पर लाने के बाद योजना बनानी चाहिए, डैम बना के बाढ़ नियंत्रण करने का, सिंचाई की व्यवस्था करने का, अपन बिजली उत्पादन करने का, और वहीं पर एक जल नीति बना करके हर तीसरे साल सभी पुल पुलिया और पानी के बहाने वाले रास्ते को पुराना जगह देकर उड़ाही करने की योजना बनाई जाए और सभी जो नदियां है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, लालबकिया है, करे है, बागमती है, नई बागमती, पुरानी बागमती, अधवारा समूह की अधवारा है, झीम है, बरवे है, कंतावा है, बुरनद है, जमुरा है, खिरोई है, धौस है, संघी है, रातो है, मरहा है, इस प्रकार से हरदी है, जितनी हमारी नदियां है, कमला बलान है, कोसी है, उसमें भी हर तीसरे वर्ष नेपाल से आने वाली गाद को, मिट्टी को, पाक को निकाल करके पुरानी गहरवाई देने की योजना बनाई जाए तो बाढ़ का दीर्घकालीन इलाज हो सकता है, दीर्घकालीन बाढ़ के क्षति कम की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि लोग मेरी बात समझेंगे और अपनी बात इसमें अच्छी बात जोड़ेंगे और इस सवाल पर
सरकार से बोलने का काम करेंगे और सरकार सुनेगी, सोचेगी और इस दोनों बिंदु पर नेपाल में डैम बनाने पर, पंजल बिजली बनाने पर, बाढ़ नियंत्रण करने पर, सिंचाई की व्यवस्था करने पर, और इंडिया में, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं उन नदियों के 3 साल पर उराही कराने का, मिट्टी निकालने का, गाद निकालने का काम, और फिर जितनी भी इन नदियों से जुड़ा हुआ पुल पुलिया है उसको पुरानी गहराई देने के लिए 3 साल पर उड़ाही करने की नीतियां सरकार बनाएगी, ये मुझे विश्वास है, और जनता इसके लिए सवाल खड़े करेगी। तात्कालिक बात है कि अभी बिहार सरकार का मैं को साधुवाद देता हूं कि जैसे ही 12 जिले में बाढ़ आई, बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया कि हर बाढ़ प्रभावित परिवार को 6,000 रुपये का अनुदान DBTL से उनके खाते में हम भेजेंगे। पशु गड़बड़ाएगा उसके लिए क्षतिपूर्ति जो रिलीफ कोड में व्यवस्था है वो देंगे, झोपड़ी घर गिरेगा उसके लिए रिलीफ कोड के अनुसार उनको अनुदान दिया जाएगा, और फसल क्षति का जो रिपोर्ट होगा तो उस रिपोर्ट के आधार पर खाते में उनको भी 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्षतिपूर्ति सरकार पहले भी देती थी, अभी भी घोषणा कर दिया है। सरकार को हम साधुवाद देते हैं, लेकिन वहीं पर आगाह करना चाहते हैं कि नीचे के कर्मचारी पदाधिकारी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी सखन चेकिंग होनी चाहिए कि कोई नीडफुल आदमी, कोई क्षति होने वाला आदमी, कोई जरूरतमंद आदमी ना छूटे, सभी को मदद मिल सके। ये सरकार के तत्कालिक बातों पर मैं ध्यान खींचता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं, उनके घोषणा का, उनके प्रयास को साधुवाद भी दिया हूं, लेकिन दीर्घकालीन बाढ़ के से निजात के लिए नेपाल में और बिहार में जो करना है उस पर जो हमने चर्चा किया है, इसके अलावे भी किन्हीं के पास कोई राय हो तो हमारे पास भेज सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर है 98-68-11-024, इस पर हमसे चर्चा भी कर सकते हैं। जो मेरी बात अच्छी लगे उसको आप हृदयंगम करिए, आगे बढ़ाइए, लिखिए, चौक चौराहों पर बोलिए, राजनेताओं को बताइए, संसद विधानसभा तक बातों को ले जाइए, और जो मेरी बात ठीक नहीं लगे उसको भूल जाइए, जो ठीक लगे मेरे मोबाइल पर मुझसे बात करके उसको मुझे भी सुधरवाने की कृपा करिए। यही बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई की व्यवस्था और बाढ़ की त्रासदी पर मेरी राय है जो हम आप सबों से शेयर किया है। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।